हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बनाना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप का, जो कि सुपर 8 राउंड स्टार्ट हो गया, जहां पे सभी टीमों में जबरदस्त फाइट भी देखने को मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं टूर्नामेंट के 45वें मुकाबले के बारे में, जिसमें ग्रुप दो के दो स्ट्रॉन्ग टीम्स है। एक तरफ जहां पे साउथ अफ्रीका है, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड है। दोनों इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दोनों के बीच में यह 21 जून को खेला जाएगा। यह मैच संत लुसिया के डैन सेमी नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए, तो हमें स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं, जहाँ पे मैच के दिन मौसम में नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना है, ह्यूमिडिटी 82% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे डैन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया बैटर्स के अनुकूल मैदान होने के लिए फेमस है। छोटी बाउंड्री पर रन बनाना इजी होता है। इस सतह पर फास्ट बॉलर के लिए बहुत कम चांस है, जबकि गेंद को टर्न करने वाले स्पिनर यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 52% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 48% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 165 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 149 है। तो आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे साउथ अफ्रीका 4 मैच जीत के आ रही, तो वहीं पे इंग्लैंड 6 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंग्लैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे टीम ने भले ही टूर्नामेंट में स्लो स्टार्ट किया, लेकिन अब टीम पूरी तरह फॉर्म में आ गई और टीम की नज़र अब टाइटल डिफेंड करने पर। लास्ट गेम में टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 180 चेस करते हुए 8 विकेट से हरा दिया। कप्तान जॉस पटर फिलिप सॉल्ट के साथ ओपनिंग करेंगे। दोनों टीम में ताबड़तोड़ स्टार्ट कर दी। फिलिप सॉल्ट ने 87 रन बनाए थे। नंबर 3 पर जो कि जॉनी ब्रेस्टो को चांस मिला था, उन्होंने 48 रन बनाए। टीम की बैटिंग में देव थे हैरी ब्रूक, लाइम लिविंगस्टोन, मोइन अली, जेसन राउंडर, सैम क्रमिन टीम में आ चुके हैं। बॉलिंग में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। टीम 4 पेसर और 2 स्पिनर के साथ उतर रही है, जहाँ पे जोफ्रा आर्चर ने अब तक सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए हैं। वहीं पर मार्कवुड जो कि लास्ट गेम में विकेट लेस थे, ऋषि टोपले इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में आदिल रास ने 6 विकेट लिए हैं। इसके अलावा मोइन अली भी स्पेल डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉस बटलर है, फिलिप सॉल्ट है, जॉनी ब्रेस्टो है, हैरी ब्रूक है, मोइन अली है, लाइम लिविंगस्टोन है, सैम क्रन है, ऋषि टोपली है, जोफ्रा आर्चर है, आदिल राशिद है, मार्क वुड है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि फिलिप सॉल्ट है, जॉस बटलर है, जोफ्रा आर्चर है। अब बात करते हो दूसरी टीम यानी साउथ अफ्रीका का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पे टीम ने यूएसए के खिलाफ जीतकर सुपर 8 का स्टार्ट किया था। टीम अब तक टूर्नामेंट में हारी नहीं है। लास्ट गेम में टीम को यूएसए से तगड़ी फाइट मिली थी। टीम ने पहली बार टूर्नामेंट 190+ रन बनाए। रिजा हैंड्रिक्स और क्वेंटन डीकॉक जो कि ओपनिंग करेंगे। डीकॉक ने लास्ट गेम में 74 रन बनाए थे। नंबर 3 पर जो कि कप्तान एडम माक्रम 46 रन बनाए थे। वहीं मिडिल ऑर्डर में हैनी क्लास एंड डेविड मिलर जो टीम को इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। लोअर ऑर्डर में बात करेंगे जो कि टिस्टन स्टब्स जो कि लगातार इफेक्टिव इनिंग खेल रहे हैं। वहीं अगर टीम की बॉलिंग की बात किया जाए, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, जहां पे 3 गेम में टीम ने डिफेंड कर ही मैच जीता था। टीम ने 2 स्पिनर और 3 पेसर उतारे थे। ओतनियल बार्ड की जगह केशव महाराज को मौका मिला था। मार्को यनसन, कसिगो रवारा, हैनरिच नॉर्जी जो कि पेस तिगड़ी किसी भी बैटर्स के लिए खतरनाक है। नॉर्जी ने जहां पे 10 विकेट के साथ टॉप पे स्टेबल है। स्पिन डिपार्टमेंट अब कुतबरे शमसी काफ़ी रन लुटा रहे हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि क्वेंटन डीकॉक है, रिजा हैंड्रिक्स है, एडम मक्राम है, हेनरी क्लासन है, डेविड मिलर है, टिस्टन स्टब्स है, मार्को जैनसन है, तबरेज़ शम्सी है, हेनरिच नॉर्जी है, केशव महाराज है, कसिगो रवारा है। वहीं अगर बात करते हैं कुछ की प्लेयर देख लेते हैं, जो कि हेनरी क्लासन है, क्वेंटन डीकॉक है, मार्को जैनसन है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। इंग्लैंड ने अफ्रीका के खिलाफ पिछले 10 मुकाबले में 6 मुकाबले जीते हैं और टीम कॉन्फिडेंस से भरी हो गई। इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है। इस टूर्नामेंट में अफ्रीका टीम शानदार फॉर्म में भी है। इंग्लैंड टीम भी बड़े मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इस मैच को जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम के स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर साउथ अफ्रीका होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।